Welcome aviators to Flying Aviation. Today is 9th video of our series Aircraft Explained A to Z. So, आज हम एयरप्लेन के उस पार्ट की बात करेंगे जिसकी हेल्प से पायलट एयरप्लेन को कंट्रोल करता है. Yes, you are thinking right. We gonna talk about aircraft flight control surfaces. देखेंगे कि एयरप्लेन को कंट्रोल करने के लिए कितनी तरह की कंट्रोल सरफेसेज होती हैं, वो काम कैसे करती हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ देखेंगे कि एक बड़े एयरलाइनर के कॉकपिट में से उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है. बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो, जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एविएशन वीडियोज इन हिंदी. नाउ लेट्स गेट राइट इन टू द टॉपिक. किसी भी एयरप्लेन को फ्लाई करने के लिए उसे एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मोड़ने के लिए कुछ कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारी कार में ये स्टेयरिंग. पर हवा में कोई सड़क नहीं होती कि व्हील्स को स्टेयर करके एयरप्लेन को डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मोड़ सके. तो एयरप्लेन को हवा में मोड़ने के लिए ऊपर या नीचे जाने के लिए कुछ ऐसी स्पेशल कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है जो कि एयर में वर्क कर सके और एरोडायनेमिक इफ़ेक्ट से एयरप्लेन को कंट्रोल कर सके. इसलिए जो एरोडायनेमिक कंट्रोल्स एयरप्लेन को स्टीयर करते हैं उन्हें कंट्रोल सरफेसेस बोलते हैं. किसी भी एयरप्लेन में 3 फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस होती हैं. नंबर 1 प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस, नंबर 2 सेकेंडरी कंट्रोल सरफेसेस और नंबर 3 ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस. कुछ एविएशन सब्जेक्ट्स में सेकेंडरी कंट्रोल सर्फेसेस और ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्फेसेस को एक ही कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, बट हेयर वी गोना टेक एवरीथिंग सेपरेट. सो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेस की. ये कंट्रोल सर्फेसेस मैंडेटरी कंट्रोल सर्फेसेस होती हैं और इनके बिना एयरप्लेन को नहीं उड़ाया जा सकता. अल्ट्रालाइट एयरप्लेन से लेकर बड़े बड़े कमर्शियल एयरलाइनर में इन कंट्रोल सर्फेसेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो कंट्रोल सर्फेसेस है जो एयरप्लेन को टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक सब जगह कंट्रोल करती है. किसी भी एयरप्लेन में 3 प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेस होती हैं. नंबर 1 इज एलेरॉन्स, नंबर 2 इज एलिवेटर एंड नंबर 3 इज रडर. एलेरॉन से शुरू करते हैं. ये कंट्रोल सर्फेस दोनों विंग्स के आउटबोर्ड में ट्रेलिंग एज पर इंस्टॉल होते हैं. इनका प्राइमरी काम एयरप्लेन को रोल प्रोवाइड करना होता है. रोल एक ऐसी मूवमेंट है जो कि एयरप्लेन को राइट या लेफ्ट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है. इसी कंट्रोल सरफेस की हेल्प से पायलट एयरक्राफ्ट को लेफ्ट या राइट मोड़ता है. ये दोनों एलेरॉन्स एक दूसरे के ऑपोजिट घूमते हैं, मतलब जब एक एलेरॉन अप होता है दूसरा डाउन हो जाता है. इससे प्रेशर में डिफरेंस आता है और ये एयरप्लेन को रोल कर देता है. पायलट इस कंट्रोल योक की हेल्प से एलेरॉन को कंट्रोल करता है. जब इस कंट्रोल योक को राइट घुमाया जाता है तो एयरप्लेन का राइट एलेरॉन अप और लेफ्ट एलेरॉन डाउन हो जाता है. जिस तरफ एलेरॉन डाउन होता है वहाँ ज़्यादा लिफ्ट जनरेट होती है और दूसरी तरफ लिफ्ट कम जनरेट होती है. इसी प्रेशर या लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एयरप्लेन राइट की तरफ रोल कर जाता है और जब इस योक को लेफ्ट घुमाया जाता है तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है और ये एयरप्लेन को लेफ्ट की तरफ रोल कर देता है. इसके बाद देखते हैं एलिवेटर को. ये एलिवेटर एयरप्लेन को पिचिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है. एयरप्लेन की नोज़ अप या डाउन होने वाली मूवमेंट को पिचिंग मूवमेंट कहते हैं. एलिवेटर को भी इसी कंट्रोल योक की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है. जब इस कंट्रोल योक को पीछे की तरफ खींचा जाता है तो ये एलिवेटर को अप करता है. सामने से आने वाली रिलेटिव विंड एलिवेटर पर स्ट्राइक करती है और उसे नीचे की तरफ धक्का मारती है और एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जिससे कि एयरप्लेन का नोज अप हो जाता है. और जब इस योक को आगे की तरफ किया जाता है तो इससे एलिवेटर डाउन हो जाता है. रिलेटिव विंड एलिवेटर को ऊपर की तरफ धक्का मारती है और एयरप्लेन के नोज को डाउन करती है. इसके बाद आखिरी प्राइमरी कंट्रोल सरफेस है रडर. रडर एयरप्लेन को यो मूवमेंट प्रोवाइड करता है. एयरप्लेन के नोज को लेफ्ट या राइट को मोड़ने वाली मूवमेंट को यो मूवमेंट कहते हैं. ये मूवमेंट रोल से काफ़ी अलग है. रोल एयरप्लेन को लेफ्ट या राइट घुमाती है जबकि यो एयरप्लेन को लेफ्ट या राइट मोड़ती है. रडर को इन रडर पैडल्स की हेल्प से मोड़ा जाता है. जब राइट रडर को प्रेस किया जाता है तो ये रडर को भी राइट की तरफ मोड़ता है. रिलेटिव विंड रडर को लेफ्ट की तरफ धक्का देती है जिससे कि एयरप्लेन का नोज राइट मुड़ जाता है. बिल्कुल इसी तरह से जब लेफ्ट रडर दबाया जाता है तो ये एयरप्लेन को लेफ्ट की तरफ यो करता है. प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेस के बाद आते हैं सेकेंडरी कंट्रोल सर्फेसेस पर. इन कंट्रोल सर्फेसेस पर एयरक्राफ्ट के ट्रिम टैब्स या बैलेंस टैब होते हैं. ये टैब्स प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेस के ट्रेलिंग एजेस पर इंस्टॉल होते हैं.
इनका मेन काम एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना और पायलट की कंट्रोल स्टिक से प्रेशर को रिमूव करना होता है। जब एक एयरप्लेन टेक ऑफ करता है और अगर उसकी सीजी आगे हो तो उसका नोज ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, तो पायलट को एयरक्राफ्ट का नोज अप करने के लिए कंट्रोल स्टिक को पीछे करना पड़ेगा, जिससे कि एलिवेटर अप होगा, उस पर डाउनवर्ड फोर्स जनरेट होगा और ये एयरप्लेन के नोज को अप करेगा। पर पायलट सारी फ्लाइट के दौरान इस कंट्रोल स्टिक को पीछे पुल करके नहीं रख सकता, सो वो इस ट्रिम व्हील को नीचे की तरफ घुमाता है, जिससे कि ट्रिम टैब भी नीचे की तरफ हो जाती है। रिलेटिव विंड इस टैब पर अपवर्ड फोर्स जनरेट करती है और ये फोर्स एलिवेटर को अप करता है, जिससे कि एयरप्लेन का नोज अप ही रहता है और पायलट को कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एयरप्लेन लेवल फ्लाइट में आ जाता है। ये ट्रिम टैब्स बड़े बड़े एयरप्लेन्स के एलेरॉन और रडर में भी इंस्टॉल होती है, पर एलिवेटर ट्रिम को रिप्लेस करके स्टेबिलाइजर ट्रिम इंस्टॉल किया जाता है, जिसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग टैब्स की। ये बैलेंस टैब्स मोस्टली कमर्शियल एयरलाइनर्स में इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े एयरलाइनर्स की कंट्रोल सर्फेसेस काफ़ी हैवी होती हैं और ज़्यादा एयर स्पीड के कारण उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, इसलिए एयरलाइनर्स की कंट्रोल सर्फेसेस को हाइड्रोलिकली ऑपरेट किया जाता है। अगर ये हाइड्रोलिक्स फेल हो जाएं, तो पायलट को मैकेनिकली इन कंट्रोल सर्फेसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि एयर के प्रेशर और साइज में बहुत बड़ा होने के कारण काफ़ी हैवी होगी। सो हेयर बैलेंस टैब्स कम इन टू प्ले। जब पायलट कंट्रोल स्टिक को पीछे करेगा तो एलिवेटर तो अप होगा ही होगा, जिससे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत फोर्स जनरेट होगा और साथ ही में ये बैलेंस टैब्स डाउन चली जाएंगी, जिससे कि एक अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा और ये ऊपर और नीचे वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और स्टिक को पीछे करने के लिए पायलट का जोर और एफर्ट दोनों कम लगेंगे। सो सेकेंडरी कंट्रोल सर्फेसेस में ये दो इंपॉर्टेंट टैब्स ही होती हैं, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ की जाती हैं। इसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस पर। ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस में तीन कंट्रोल सर्फेसेस होती हैं। नंबर वन इज़ स्लैट्स एंड स्लोट्स, नंबर टू इज़ फ्लैप्स एंड नंबर थ्री इज़ स्पॉयलर्स। स्लैट्स से शुरू करते हैं, इनको लीडिंग एज फ्लैप्स भी बोला जाता है। ये एक हाई लिफ्ट डिवाइसेस हैं जो कि फ्लैप्स के साथ ही डिप्लॉय होते हैं। जब एयरप्लेन ज़्यादा पिच अप करता है तो विंग के ऊपर से जाने वाला फ्लो विंग से सेपरेट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि लिफ्ट कम हो सकती है और एयरप्लेन स्टॉल में भी जा सकता है। सो इस फ्लो को विंग के साथ अटैच रखने के लिए इन स्लैट्स को यूज़ किया जाता है। ये स्लैट्स आगे की तरफ ओपन होकर नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि स्लैट और विंग के बीच एक स्लोट बन जाता है और नीचे का हाई प्रेशर फ्लो इन स्लोट से विंग के ऊपर जाता है और हाई पिच में भी विंग की सरफेस के साथ अटैच रहता है और लिफ्ट कम नहीं होती। ये स्लैट्स भी हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं। स्लैट्स को समझने के बाद फ्लैप्स को समझते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि फ्लैप्स क्या होते हैं, इन्हें भी हाई लिफ्ट डिवाइसेस ही कहा जाता है। जब फ्लैप्स डिप्लॉय किए जाते हैं तो ये विंग के ट्रेलिंग एज से बाहर निकलते हैं और नीचे की तरफ हो जाते हैं, जिससे कि विंग का सरफेस एरिया और कर्वेचर बढ़ जाता है, जो कि लिफ्ट इंक्रीज करता है। पर ज़्यादा फ्लैप्स ओपन करने से लिफ्ट के साथ साथ ड्रैग भी इंक्रीज होता है, इसलिए फुल फ्लैप्स सिर्फ लैंडिंग के टाइम ही डिप्लॉय किए जाते हैं, ताकि ये लिफ्ट के साथ साथ ड्रैग इंक्रीज करें, एयरप्लेन की स्पीड को भी कम करें और एक स्मूथ टचडाउन हो। फ्लैप्स भी काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि प्लेन फ्लैप्स, स्लोटेड फ्लैप्स, स्प्लिट फ्लैप और फोलर फ्लैप्स। प्लेन फ्लैप से शुरू करते हैं। प्लेन फ्लैप्स नॉर्मली जनरल एविएशन एयरप्लेन्स में होते हैं। ये इस कंट्रोल स्विच से डिप्लॉय किए जाते हैं और ये सिर्फ नीचे की तरफ डिप्लॉय होकर लिफ्ट जनरेट करते हैं। दूसरे हैं स्लोटेड फ्लैप्स। इन स्लोटेड फ्लैप्स का एक बड़ा फ़ायदा है, जब इन स्लोटेड फ्लैप्स को डिप्लॉय किया जाता है तो विंग और फ्लैप के बीच एक स्लोट बन जाता है, जिससे कि विंग के नीचे का हाई प्रेशर फ्लो फ्लैप्स के ऊपर से फ्लो करता है, जिससे कि फ्लैप काफ़ी इफेक्टिव रहता है और एक अच्छी लिफ्ट जनरेट करता है। अगला है स्प्लिट फ्लैप। ये स्प्लिट फ्लैप विंग के नीचे इंस्टॉल होते हैं, जिससे कि विंग के ऊपर की शेप चेंज नहीं होती और नीचे से ज़्यादा कर्वेचर मिलता है, जो कि काफ़ी लिफ्ट जनरेट करता है। पर ये फ्लैप्स ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते। और लास्ट फ्लैप है फोलर फ्लैप्स। ये फ्लैप नीचे की तरफ खुलने के साथ साथ पीछे की तरफ भी खुलते हैं, जो कि विंग का कर्वेचर बढ़ाने के साथ साथ विंग का एरिया भी बढ़ाते हैं, जो कि लिफ्ट का एक अच्छा सोर्स है। पर विंग का सरफेस एरिया इतना बड़ा होने के कारण
ये चांसेस सबसे ज़्यादा है कि फ्लो विंग के ऊपर अटैच नहीं रहेगा और स्टॉल में चला जाएगा। सो कमर्शियल एयरलाइनर्स में फोलर फ्लैप्स के साथ स्लोटेड फ्लैप्स को मिक्स करके स्लोटेड फोलर फ्लैप्स इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि जब फोलर फ्लैप्स पीछे की तरफ खुलकर विंग का सरफेस एरिया और कर्वेचर बढ़ाए तो उनमें स्लोट बन जाए, ताकि विंग के नीचे का फ्लो फोलर फ्लैप्स के ऊपर चला जाए और फ्लो सेपरेट ना हो और फ्लैप्स कंटिन्यूसली लिफ्ट जनरेट करता रहे। कॉकपिट में से इन फ्लैप्स लीवर से फ्लैप को डिप्लॉय किया जाता है। टेक ऑफ के लिए 1 से 5 डिग्री और लैंडिंग के लिए फुल फ्लैप्स डिप्लॉय किए जाते हैं। अब सबसे आखिरी कंट्रोल सरफेस जो कि है स्पॉयलर्स। स्पॉयलर एक तरह की ब्रेक्स होती हैं और सामने से आ रही एयर की स्पीड को कम करती हैं और ड्रैग को इंक्रीज करती हैं, ताकि एयरप्लेन की स्पीड कम हो जाए, इसलिए इन्हें स्पीड ब्रेक्स भी बोलते हैं। ये स्पॉयलर्स नॉर्मल और शार्प डिसेंट्स और लैंडिंग के टाइम यूज़ किए जाते हैं, ताकि स्पीड को कम करके एयरप्लेन की लैंडिंग स्पीड मेंटेन की जा सके। इन स्पॉयलर्स को इन लीवर से कंट्रोल किया जाता है। इसको पीछे करने से स्पीड ब्रेक्स डिप्लॉय हो जाती हैं और आगे करने से हट जाती हैं। सो दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। कंट्रोल सर्फेसेस के टाइप्स और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा कंट्रोल सर्फेसेस भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आई होप आपको एयरप्लेन की प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस की जानकारी अच्छे से मिल गई होगी और आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड स्टे ट्यून्ड।